बीए पाठ द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम YouTube व्याख्यान में जिस कवि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उन कवि का नाम है बिहारी। बिहारी के जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, उन दोहों में जो छठा दोहा है, इससे पहले के जो पांच दोहे हैं वो हमने पूर्व के व्याख्यान में आपको बताए। छठा जो दोहा इनका है, पाए महावरु देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। शब्दार्थ जो है इसके, पाई का तात्पर्य यहां हम पैर से लेंगे, महावरु महावर मेहंदी, नाइन एक जाति विशेष जो महावर लगाने का कार्य किया करती थी उस समय, और फिरी यानी बार बार, एड़ी पैर की जो एड़ी होती है उसके लिए हम इसका तात्पर्य लेंगे, मीड़ती जाए यानी वो बार बार उसको मलती जाती है। अब यहां बिहारी के दोहे के अंतर्गत जहां हम इसका सबसे पहले प्रसंग जान लें कि यह प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी के द्वारा रचित है और उनके बिहारी सतसई से इसको लिया गया है। इसमें कवि ने नायिका की एड़ियों के स्वाभाविक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या जब हम इसकी करेंगे तो एक नायिका की दूती है और वो नायक से नायिका की सुंदर एड़ियों के स्वाभाविक सुंदर लाल रंग के होने का वर्णन करते हुए नायक से कह रही है कि हे नायक, जब नायिका के पैरों में नाइन महावर लगाने के लिए आकर बैठ गई, उसके बाद वह उस नायिका की एड़ियों को देखकर, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उस नायिका की जो पैर की जो एड़ियां हैं वो लाल रंग की थी, और लाल रंग की एड़ियों को देख करके और वो भ्रम में पड़ गई, भ्रमित हो गई कि इन पैरों में मेहंदी लगी हुई है और ये फिर से मुझे मेहंदी लगाने के लिए, महावर लगाने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ वह नायन उसके लाल रंग की एड़ी को ही महावरी समझ बैठी और उसकी पैर की एड़ियों को वह बार बार मलती जाती है। इसका जो हम विशेष इसके अंतर्गत लेंगे, कुलीन परिवारों में नाइन को यहाँ घर पर महावर लगाने के लिए बुलाया जाता था, जिसके बदले यहाँ उसे भेंट या उपहार भी दिया जाता था। यहाँ कुलीन परंपरा का कवि बिहारी ने इस दोहे के अंतर्गत यहाँ संकेत किया है। साथ ही नाइन द्वारा एड़ियों को बार बार मलने में यहाँ भ्रांतिमान अलंकार का कवि बिहारी ने इसमें प्रयोग किया। फिर आए आए जाए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ द्रष्टव्य है। इस तरह से बिहारी के इस दोहे का हम सर्वप्रथम प्रसंग देंगे, उसके तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या के तत्पश्चात हम उसका विशेष देंगे कि विशेष उसमें उसने किस दोहे के अंतर्गत यहाँ किस रस छंद और अलंकार का प्रयोग किया। अब है इनके पाठ्यक्रम का, जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो दोहा लिया गया है कवि बिहारी का, बिहारी सतसई से लिया गया है, 7 नंबर का जो दोहा है वो दोहा है, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। ये जो दोहा है, इस दोहे को देखकर हम इस बात का पूर्वानुमान आसानी से लगा सकते हैं कि यहाँ जो कवि बिहारी हैं ये बहुज्ञता के धनी थे और इनको बहुत सारे विषयों की जानकारी यहाँ एक साथ थी, और इसका प्रमाण बिहारी सतसई के जो इन्होंने अपने चुनिंदा जो दोहे जो चुन चुन करके इनके द्वारा लिखे गए हैं, उन दोहों को देखने के तत्पश्चात हमें अपने आप ही मिल जाती है। 7वां जो दोहा है इनका, कि कठिन शब्द जो है इसके, मंगल का तात्पर्य हम लेंगे यहाँ, कल्याणकारी, मंगल ग्रह, नक्षत्र, सुरंगू का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे लाल रंग से, और आड़ का मतलब हम यहाँ लेंगे आड़ा तिलक, गुरु बृहस्पति, ग्रह नक्षत्र, नारी स्त्री राशि, रसमय प्रेममय अर्थात जलमय,
प्रसंग हम इसका ये लेंगे कि ये जो दोहा है वो कवि बिहारी की बिहारी सरसई से लिया गया है और इस दोहे में कवि बिहारी ने श्रृंगार विलास का बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। नायक ने नायिका को आभूषणों से सुसज्जित रूप में देख लिया है और उसको अर्थात नायिका को देखकर नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। यहाँ इसी कारण से वह नायिका की सखी से उसकी आभावान चमत्कारी रूप शोभा का वर्णन करते हुए बतला रहा है, उसकी हम व्याख्या इस पद के अंतर्गत यहाँ करेंगे। हे नायिका की सखी, नायिका के सुंदर ललाट पर सुंदर लाल रंग की बिंदु रूपी मंगल मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है और इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने नायिका ने ग्रहण करके तीनों ग्रहों नक्षत्रों के एक ही राशि में होने पर मंगल बृहस्पति और गुरु तो मंगल बृहस्पति और तीसरा जो ग्रह है यानी चंद्रमा मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह नक्षत्र हैं। इन तीनों के जब ये एक ही राशि में जब स्थित हो जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मेरे लोचनों नेत्रों के संचार को रसमय कर दिया है। जब नायक ने उनको यहाँ इस रूप में देखा, नायिका को जब इस रूप में वह देखता है तो उसके उसको देखकर उसके नेत्रों को उसने यहाँ मानो रसमय कर दिया हो। यहाँ नायिका के ललाट पर लगी लाल रंग की बिंदियां मंगल, उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर मेरे नेत्रों को इसने प्रेम में और सजल कर दिया है। विशेष हम इसका इस तरह से ग्रहण करेंगे कि मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का होता है, बृहस्पति ग्रह पीले रंग का होता है तथा चंद्रमा श्वेत वर्ण का होता है। इन तीनों के संयोग से जो शोभा होती है वही शोभा नायिका के मुखमंडल की यहाँ दिखाई दे रही है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके लिए पर्याप्त रूप में बताया गया है कि यदि मंगल ग्रह चंद्र और बृहस्पति ग्रह एक ही राशि पर स्थित हो जाएं तो यहाँ धरती पर अत्यधिक जल वर्षा होती है। इस दोहे के द्वारा कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का अनूठा परिचय भी यहाँ प्रस्तुत किया है और इसमें अनुप्रास का कवि ने प्रयोग किया है, श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग यहाँ मिलता है और सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग भी कवि के द्वारा इसमें प्रयोग में लिया गया है। अब यहाँ इनके पाठ्यक्रम से संबंधित जो आपका जो आठवां जो दोहा है वो दोहा है, अंग अंग लग जग मगे दीप सिकासी दे है दिया बड़ा है हूं रहे बड़ो उजारो उजेरो गे है। यहाँ कठिन जो शब्द हम इसके ग्रहण करेंगे वो कठिन शब्द है नग, नग का मतलब हम यहाँ लेंगे नगिनी से। जग मगे जग मगाते हैं, बढ़ाए बढ़ाए का तात्पर्य हम यहाँ बुझाने से और उजेरो उजेरे को उजेरो का तात्पर्य हम यहाँ उजाले से लेंगे और गेह गेह यानी घर में। प्रसंग हम इसका इस रूप में ग्रहण करेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी के द्वारा यहाँ लिखा गया है जिसको बिहारी सरसई से यहाँ लिया गया है और इसमें व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ इसकी व्याख्या इस रूप में करेंगे कि नायिका के शरीर की जो कांतिमयी शोभा है वो बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ इस दोहे के अंतर्गत कवि बिहारी के द्वारा बताई गई है। यहाँ नायिका के शरीर के अंग प्रत्यंग पर नग नगिनों से जड़ित आभूषण पहन रखे हैं जिनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है और इस कारण घर में दीपक के बुझा देने पर भी यहाँ क्या रहता है अत्यधिक प्रकाश मौजूद रहता है। अर्थात दीपक के बुझ जाने पर भी नायिका की जो शारीरिक कांति होती है चमक, उससे घर में हमेशा प्रकाश बना रहता है, घर प्रकाशित होता रहता है। विशेष हम इसका इस रूप में ग्रहण करेंगे कि प्रस्तुत इस दोहे के अंतर्गत यहाँ कवि बिहारी ने नायिका के शरीर की शोभा का वर्णन दीप शिखा से उपमा देकर किया है। ऐसा ही वर्णन कालिदास महाकवि के द्वारा भी यहाँ किया गया है। विद्यापति कवि ने भी यहाँ इसी तरह से दीप शिखा का वर्णन अपने काव्य के संकलन में किया है। यहाँ शरीर की शोभा का वर्णन दीप शिखा की उपमा देकर इनके द्वारा किया गया है। यहाँ उपमानों में प्रयोग करते हुए इन्होंने दीप शिखा मानकर नायिका के शरीर को दीप शिखा की तरह मान करके यहाँ उपमानों में उसका प्रयोग किया है। इस दोहे में उपमान है,
उपमा अलंकार है और भ्रांत अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों का प्रयोग कवि बिहारी के द्वारा इसके अंतर्गत यहाँ बहुत ही सरलता के साथ में विद्वता के साथ में यहाँ किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके पाठ्यक्रम का जो अगला जो दोहा है जो इस तरह से है कि भूषण भार संभारी है क्यों ही तन सुकुमार सूधे पायन धर परे शोभा ही के भार। कठिन शब्द जो इसके हैं, भूषण भूषण का तात्पर्य होता है आभूषणों से, अलंकार गहनों से, यही यानी इस पर तन शरीर, सुकुमार सुकुमल सूधे यानी सीधे, पायन पैर, धर धरती, परे पढ़ते हैं, भार वजन शोभा का वजन भार। प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी की बिहारी सतसई से लिया गया है और इसमें नायिका के रूप सौंदर्य की विशिष्टता का वर्णन एक विशिष्ट रूप में ही विशेष तरह से यहाँ किया गया है। व्याख्या जब हम इस दोहे की करेंगे तो नायक ने नायिका को आभूषण गहने पहने हुए देख लिया है, इस कारण नायक उसकी सखी से कहता है कि उसका सुकुमार शरीर आभूषणों के भार को कैसे संभाल सकता है, उसके पैर तो इसके शरीर शोभा के भार से ही इतने दब गए हैं कि वह चलते समय धरती पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। अथवा दूती का कथन है कि अभिसार के लिए शीघ्रता से चलना पड़ेगा, परंतु नायिका के पैरों पैर सुकुमारता के कारण वहां धरती पर सीधे पड़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ सब आभूषणों के भार के कारण ही संभव हो रहा है। एक तो आभूषणों का भार है, एक उसके शरीर के जो अंग प्रत्यंगों की जो शोभा का जो भार है उसके कारण वो लदी हुई है। विशेष हम इसमें लेंगे कि इस दोहे से नायिका के सुकुमारीय होने का वर्णन यहाँ बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है और सुंदर कविता की आत्मा किसको माना गया है, रस को, रस काव्य की आत्मा मानी गई है से है। अनावश्यक प्रयोग से उसमें बचा जाना चाहिए, क्योंकि कविता में अगर अनावश्यक प्रयोग होता है तो वह अति हो जाती है और अति हो जाने के बाद में कविता कविता नहीं रहती, यानी उसकी जो सुंदरता है वो सुंदरता वहाँ दब जाती है, काव्य की सुंदरता वहाँ दब जाती है। यहाँ इस दोहे में काकवक्रोक्ति कथन है, अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का कवि के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया है और कवि जो बिहारी है उन्होंने इस तरह से अलंकारों का एक विशेष प्रयोग करते हुए अपने इस काव्य को यहाँ वास्तव में एक महत्वपूर्ण काव्य बनाया है। तो इस तरह से ये दोहा इस तरह का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ क्या बन गया है, विशेष बन गया है। धन्यवाद, आज की व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको बिहारी के जो बिहारी सतसई के जो और दोहे हैं, क्योंकि सब दोहे यहाँ बिल्कुल चुने हुए दोहे हैं और बिल्कुल बिहारी के द्वारा यहाँ बिल्कुल सोच समझ करके उन प्रत्येक दोहों को लिखा गया है, जिस दोहे का जो भी अर्थ निकलता है वो बिहारी की बहुज्ञता का वहाँ परिचय प्रस्तुत करता है। और बिहारी ने, जैसे बिहारी के बारे में हम कहते हैं कि बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी को प्रवाहित किया है, भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी उनके काव्य में यहाँ बहती हुई हमें दिखाई देती है और साथ ही बिहारी का जो काव्य है वो बिहारी का काव्य एक अनूठा काव्य बन पड़ा है। जैसे हम कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, उसी तरह से कवि जो बिहारी है उन्होंने अपना जो श्रृंगारिक जो वर्णन वहाँ प्रस्तुत किया है वो एक अनूठा वर्णन कहा जा सकता है और बिहारी का जो काव्य है उसमें बिहारी की बहुज्ञता के दर्शन होने के जो अनेक जो उदाहरण उनके दोहों के अंतर्गत यहाँ हमें मिल जाते हैं वो वास्तव में एक कवि की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। हर कोई कवि इस तरह का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता, हर कवि की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे हम घनानंद कवि को लें, घनानंद कवि भी यहाँ अपना काव्य लिखने में एक अलग ही प्रतिभा का वहाँ प्रदर्शन करते हैं। तत्पश्चात यदि हम कवि तुलसीदास को लें तो तुलसीदास का काव्य भी यहाँ बहुत ही श्रेष्ठ काव्य माना जा सकता है, क्योंकि कवि के जो अपने जो प्रयोग है नित्य नए नए प्रयोग करके और एक नए रूप में अपने काव्य को और अपने साहित्य को जो एक आकार देता है, शब्दों का आकार देता है, साहित्य को एक नए धरातल पर वहाँ प्रस्तुत करता है, तो वह अपने आप में एक अनूठा काव्य माना जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे सूरदास है, रहीम है, मीरा है, ये जो कवि विशेष हैं, इन हर कवि की अपनी अपनी एक विशेषता है। तो ठीक
बिहारी ने भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है और इनके दोहों को देखने के तत्पश्चात हम इनकी बहुगीता के दर्शन भी उनके दोहों में कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको बिहारी के जो अन्य जो दोहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।